हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक मान और मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज ये अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट पे फिफ्थ लेक्चर है भी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, मतलब कंडक्टेंस ऑफ एसिड एंड बेस। सेकेंड टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि एसिड बेस को डायल्यूट कैसे किया जाता है, मतलब डायल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जो कि अपना क्या है, कंडक्टेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो कंडक्टेंस ऑफ एसिड और बेस, आप देखो कंडक्टेंस यदि मैं बात करता हूं तो कंडक्टेंस दो चीजों की वजह से अराइज होती है। एक तो मोमेंट ऑफ फ्री आयंस, या तो आपके मोमेंट ऑफ फ्री आयंस मतलब आयंस का मोमेंट हो रहा हो। सेकंड मैं कहता हूं मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे आप कह सकते हो, जो आप कंडक्टेंस की बात कर रहे हो सर, तो कंडक्टेंस दो चीजों की वजह से अराइज हो रही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर रहे हो, कंडक्टिविटी आप कह सकते हो भी, तो दो चीजों की वजह से अराइज होती है। फर्स्ट यहां मैं लिखता हूं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या ड्यू टू मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एक मैं कहता हूं ड्यू टू मोमेंट ऑफ फ्री आयंस। तो दो चीजों की वजह से आएगी, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं और एक इसकी बात कर रहा हूं भी फ्री आयंस। आप देखो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा कि आपके पास मेटल है, तो मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया और इलेक्ट्रॉन दिया, तो आप यहां आपके पास क्या मिल रहे हैं भी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी आप मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होती है, मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या आता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको डील करेंगे भी। यदि मैं फ्री आयंस की बात करता हूं, लाइक किसी भी सब्सटेंस को आप ब्रेक करते हो, मैंने कहा कि मैं किसी भी सब्सटेंस को तोड़ रहा हूं, तो जैसे आपने किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया तो दो पार्ट में टूटता है, वन इज कैटायन एंड अदर वन इज एनायन, और कैटायन और एनायन के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो उनको मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्री आयंस। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, अपने पास एक ए बी कंपाउंड है और उसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो ब्रेक हुआ ए पॉजिटिव और क्या बना भी, बी नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसको आप क्या नाम देते थे, कैटायन, और नेगेटिव को क्या नाम देता हूं, एनायन। एक आपके पास कैटायन फॉर्मेशन हो रहा है और एक आपके पास क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एनायन, और इस कैटायन और एनायन के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो ये आपके क्या भी फ्री आयंस, क्या ये फ्री आयंस। और इन फ्री आयंस के मोमेंट से क्या अराइज होती है, कंडक्टेंस अराइज होती है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप कह सकते हो अराइज होती है। तो ये तो हम लोग अभी डील नहीं करेंगे डिटेल में, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टेंस आती है, फ्री आयंस की कंडक्टेंस हम लोग डील करते हैं। देखो अब मैं एसिड और बेस को इसके पॉइंट के साथ रिलेट करते हैं, कैसे। आपने अरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, राइट, और अरेनियस कॉन्सेप्ट में आपने कहा कि कोई भी सब्सटेंस, लाइक मैं एसिड सब्सटेंस को ले रहा हूं और उस एसिड को यदि मैं वाटर में डालता हूं, किसमें डालता हूं भाई, वाटर। एसिड को यदि मैं वाटर में डालता हूं तो क्या देगा, एच पॉजिटिव आयन, यदि एसिड है तो। व्हेन एनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर एंड इट्स गिव एच पॉजिटिव आयन नोन एज एसिड। और बेस में आपने पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस को यदि मैं वाटर में डालता हूं और क्या दे दे, OH नेगेटिव आयंस दे दे, क्या दे दे भी, OH नेगेटिव आयंस, तो उसको आपने क्या कहा, बेस। अब देखो एसिड और बेस वाटर में डालने के बाद, अरेनियस इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, मैंने कहा कि एसिड और बेस को वाटर में डाला तभी ब्रेक डाउन हुआ ना, और तभी आपके पास क्या फॉर्मेशन हुए, फ्री आयंस फॉर्मेशन हुए। तो यहां से आप कह सकते हो कि एसिड और बेस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, या एक्वस स्टेट में आप कह सकते हो एसिड और बेस क्या होते हैं आपके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कि आपके पास क्या अभी HCl है, क्या अपने पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं वाटर में डाल रहा हूं एक्वस। एक्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्वस। जैसे आपने इसको वाटर में डाला तो क्या फॉर्मेशन हुआ भी, एच पॉजिटिव आयन, मतलब एच पॉजिटिव एक्वस, और क्या फॉर्मेशन हुआ, Cl नेगेटिव एक्वस। ऐसे आपके पास कंपाउंड मतलब आयंस फॉर्मेशन हुए, वन इज कैटायन अनदर वन इज एनायन। आप देखो इसको मैं कैसे क्या भी लिख सकता हूं, एच पॉजिटिव है वाटर है, तो ये कंबाइन करके क्या देता है आपको, H3O पॉजिटिव, क्या देता है, H3O पॉजिटिव, और जिसको आप लोग नाम देते थे क्या, हाइड्रोनियम आयन। अब देखो एक आपके पास कैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, एक आपके पास क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एनायन, और कैटायन और एनायन आपके क्या है, फ्री आयंस हैं,
और ये फ्री आयंस के मोमेंट से ही क्या राइज होगी, कंडक्टेंस राइज होगी। तभी आपने कहा कि एसिड गुड कंडक्टर है, कब, जब उसको वाटर में डिजोल्व करता हूं। ऐसा क्या हुआ कि जब आपने वाटर में डाला, तो वाटर में डालने के बाद क्या होता है सर, कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया इंटू कैटायन एंड एनायन और आपके पास फ्री आयंस फॉर्मेशन हो गए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, आपके पास क्या भी H2SO4 और H2SO4 को मैं वाटर में डालता हूं, मतलब एक्वस, उसको इसको ब्रेक करता हूं तो 2H पॉजिटिव, जैसे सिंपल मैं लिखूं H3O पॉजिटिव एक्वस, और प्लस क्या मिलेगा भी SO4 2 नेगेटिव एक्वस। अब देखो यहां पे नंबर ऑफ आयंस ही थी मुझे काउंट करने, तो नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं सर 2, नंबर ऑफ एनायन कितने हैं सर 1, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए 3। यहां पे कितने आयंस फॉर्मेशन हुए भी 3 आयंस। यहां मैं बात करता हूं 1 और 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए 2। तो यहां पे नंबर ऑफ आयंस 2 या नंबर ऑफ आयंस 3। अब HCl और H2SO4 में से भी ज्यादा कंडक्टेंस किसकी वजह से आएगी, HCl की ज्यादा कंडक्टेंस होगी या फिर H2SO4 की ज्यादा कंडक्टेंस होगी, तो आप नंबर ऑफ आयंस देख के बता सकते हो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं नोट करके क्या कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं किसी भी सॉल्यूशन में तो क्या होगा भाई, कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। यदि मैं बेस के एग्जांपल लेता हूं, किसका एग्जांपल लेता हूं बेस, यदि मैं बेस को चेक करता हूं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है, चेक करते देखो। यदि मैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन इनटू Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट क्या होता है कैटायन, सेकंड पार्ट क्या होता है एनायन, जब भी आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपके पास Na पॉजिटिव एक्वस और क्या फॉर्मेशन हो रहा है, OH नेगेटिव एक्वस, क्या मिले, फ्री आयंस, क्या मिले भी, फ्री आयंस। और फ्री आयंस के मोमेंट से क्या आती है, कंडक्टेंस आती है। तो मैंने कहा कि बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कब, जब मैं उसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ब्रेक डाउन इनटू कैटायन एंड एनायन और क्या दे रहा है, फ्री आयंस। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक डाउन करता हूं CO2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2OH नेगेटिव एक्वस। यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ आयंस निकालने, तो नंबर ऑफ आयंस 1 1 कितने 2, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस 1 और 2 कितने होंगे 3, और नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर यदि मैं एसिड और बेस को वाटर में नहीं डालूं, क्या वो जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे क्या, लाइक आपने कहा कि आपके पास एसिड है और आपके पास बेस है, राइट, और एसिड और बेस के अंदर मैं वाटर नहीं ले रहा हूं, क्या नहीं ले रहा हूं वाटर, यहां भी मैंने कोई भी वोटर नहीं डाला, जब एसिड और बेस के अंदर क्या नहीं डाल रहे हो, आप वोटर नहीं डाल रहे हो, क्या तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, आंसर आएगा नो। क्यों, तो आपके पास रीजन होना चाहिए क्यों, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री आयंस नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे भी, फ्री आयंस नहीं होंगे। तो एसिड और बेस विदाउट वोटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होते भी, फ्री आयंस नहीं होते। ये क्या, किसका कॉन्सेप्ट था भी, कंडक्टेंस ऑफ एसिड एंड बेस, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको देखना है कि कंडक्टेंस दो चीजों की वजह से अराइज होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस। अब फ्री आयंस एसिड बेस फ्री आयंस देते हैं कब, जब वाटर में डालता हूं, और फ्री आयंस के मोमेंट से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आएगी, इसलिए एसिड एंड बेस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइल्यूशन ओरिएंटेड भी, कि एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं, क्या करते हैं, डाइल्यूट। तो डाइल्यूशन कैसे करते हैं समझते हैं, देखो डाइल्यूशन ऑफ एसिड, किसकी बात करते हैं भाई, एसिड, एसिड को डाइल्यूट करते हैं। मैं दो केस ले रहा हूं, आई थिंक आप थोड़ा सा समझ पाओगे, दो अलग अलग केस ले रहा हूं। अपने पास एक बीकर है और एक अपने पास सेकंड बीकर, मैंने दो बीकर लिए हैं। एक बीकर में मैंने क्या लिया, नीचे वाटर ले लिया, अभी यहां पे मैंने क्या लिया, वाटर लिया, और सेकंड बीकर में मैंने क्या फिल कर लिया, यहां पे फिल कर लिया H2SO4 लाइक एसिड फिल कर लिया, कोई भी एसिड मैंने फिल कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर से ऐड कर रहा हूं, क्या इसमें मैंने ऐड किया एसिड, और इसमें मैं ऊपर से ऐड कर रहा हूं क्या अभी, वाटर, क्या ऐड कर रहा हूं, वाटर। अब दोनों के केसेस में डाइल्यूशन हो रहा है, तो बेस्ट वे कौन सा होगा डाइल्यूशन का, तो मैं आपको बता देता हूं। कभी भी आप एसिड को डाइल्यूट करते हो तो डाइल्यूशन की केसेस में जो भी रिएक्शन होती है वो क्या होती है भाई, हाईली एक्सोथर्मिक
कैसी रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब आउटसाइड, थर्मिक मतलब हीट, मतलब बहुत ज्यादा हीट निकलती है जब भी आप एसिड और बेस को क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो। अब देखो ये केस मैंने लिया कि एसिड को वॉटर में ऐड किया, सही है, एसिड को किसमें ऐड किया, वॉटर में ऐड किया, और एक वॉटर को एसिड में ऐड किया। हम लोग वॉटर को एसिड में कभी भी ऐड नहीं करते, इस चीज का ध्यान रखना, एसिड वॉटर को किसमें कभी ऐड नहीं करता भी एसिड में, बट हम लोग क्या करते हैं ड्रॉप वाइज एसिड को किसमें ऐड किया जाता है, वॉटर में ऐड किया जाता है, एसिड को वॉटर में ऐड किया जाता है, ये आपका सही मेथड है। वॉटर को एसिड में ऐड नहीं करूंगा, रीजन क्या होता है मैं बता देता हूं कि देखो एसिड को जब भी आप वॉटर में ऐड करते हो तो क्या निकलती है भाई, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी। अब वो रिलीज एनर्जी बाहर निकलेगी तो उस रिलीज एनर्जी को वॉटर मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। तो मैं कह सकता हूं कि वॉटर मॉलिक्यूल आपका गुड अब्सॉर्बर होता है भाई, जो भी हीट निकलेगी उस हीट को क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा ड्यूरिंग डाइल्यूशन। तो इसलिए ये आपका बेस्ट मेथड है, ये हम लोग यूज नहीं करते। तो ध्यान रखना, देखो इसी चीज को मैं समझते हैं, एक कंसंट्रेटेड और एक आपका डाइल्यूटेड दो सॉल्यूशन आते हैं। तो आई थिंक आपको डाइल्यूशन तो क्लियर हो गया होगा, डाइल्यूशन कैसे करते हैं कि ड्रॉप वाइज एसिड को ऐड किया जाता है वॉटर के अंदर। ऐसा नहीं कि आप वॉटर के अंदर, सॉरी एसिड के अंदर वॉटर डाल दो तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ब्लास्ट होने के चांसेस है। तो हम लोग इस चीज को यूज नहीं करते डाइल्यूशन के केस में। अभी देखो दो टाइप के सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक क्या था आपका कंसंट्रेटेड और दूसरा क्या होता है डाइल्यूटेड। एक क्या आता आपके पास कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक क्या होते हैं भी आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझते हैं डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है। देखो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना होता है, एक क्या होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है भी सॉल्वेंट। यदि मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं यहां पे तो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, एक क्या होता है सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है भी सोल्यूट। एक क्या होता है सोलवेंट और दूसरा क्या होता है सोल्यूट। जो सोलवेंट होता है वो हम लोग लेते हैं एक्सेस में, बेसिकली सोलवेंट हम लोग वॉटर यूज करते हैं, और सोल्यूट यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे यदि मैं एसिड बेस में बात करता हूँ, जो भी आपका एसिड बेस है वो क्या आपका सोल्यूट। सोल्यूट क्या होते हैं कम, और सोलवेंट क्या ले रहा हूं ज्यादा ले रहा हूं। आप देखो समझते हैं, ये आपके दो कंपोनेंट होंगे सोल्यूशन में, एक सोलवेंट और दूसरा क्या होगा सोल्यूट। अब देखो कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट में फर्क क्या है, समझते हैं। एक मेरे पास बीकर है और एक दूसरा बीकर है, दोनों केस ले रहा हूं। इसके अंदर मैंने क्या लिया, अभी वॉटर फिल कर दिया, यहां तक मैंने वॉटर फिल कर दिया, राइट, इतना मैंने वॉटर लिया, और इसमें भी मैं क्या ले रहा हूं, इतना वॉटर ले रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि वॉटर ले लिया, ये भी वॉटर है यहां पे और ये भी क्या अभी वॉटर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से वॉटर डाल रहा हूं, ऊपर से सॉरी एसिड डाल रहा हूं, क्या ऐड किया ऊपर से मैंने ऐड किया एसिड। ये क्या आपका सोल्यूट है और ये क्या आपका यहाँ पे सोलवेंट है, क्लियर भी। ये क्या आप एसिड क्या आपका सोल्यूट और यहाँ पे भी क्या होगा सेम, ये क्या आपका क्या होगा सोलवेंट, और ऊपर से जो भी आप एसिड एड कर रहे हो वो एसिड क्या होगा आपका सोल्यूट, एसिड क्या होगा भी आपका सोल्यूट, क्लियर। आप देखो जैसे आप एसिड ऐड करते हो, जैसे मैंने कहा कि यहां तक मैं एसिड ऐड कर रहा हूं और इसमें मैं एसिड ऐड कर रहा हूं, यहां तक ड्रॉप वाइज ऐड करता जा रहा हूं, ऐड करता जा रहा हूं। चलो उल्टा करते हैं, मैंने एसिड यहां तक ऐड किया और इसमें मैं एसिड यहां तक ऐड कर रहा हूं, मतलब इतने पार्ट में मैंने क्या ऐड किया है यहाँ पे एसिड ऐड किया है, इतने पार्ट में क्या ऐड किया है एसिड ऐड किया है, और यहाँ पे इतने पार्ट में मैंने क्या ऐड किया है अभी एसिड ऐड किया है। अब देखो यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि सोल्यूट की कंसेंट्रेशन सोलवेंट की कंसेंट्रेशन से ज्यादा है, मतलब सोल्यूट का अमाउंट सोलवेंट के अमाउंट से क्या अभी ज्यादा है। तो यहां मैंने कहा कि सोल्यूट क्या आपके पास ज्यादा है और सोलवेंट मतलब वॉटर क्या आपके पास कम है, सोल्यूट क्या है ज्यादा और सोलवेंट क्या है कम है। तो इस टाइप के सोल्यूशन जो भी आपके पास सोल्यूशन आएगा इस टाइप का, तो उस सोल्यूशन को हम लोग नाम दे देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या नाम दे दिया जाएगा अभी, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब आपके पास सोल्यूट क्या हो जाए ज्यादा, मतलब एसिड क्या है ज्यादा है और जो वॉटर है वो क्या है कम है, तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एसिड कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, लाइक लिखा होता है ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका मतलब यही है कि उसके अंदर वॉटर कम है और जो एसिड का अमाउंट है वो क्या है भी ज्यादा। जैसे कई बार हम लोग लिखते हैं लैब में क्या होता है 98% ऐसा लिखा होता है,
98% का मतलब क्या, उसके अंदर 98 ml तो क्या है H2SO4, लाइक मैं H2SO4 की बात करता हूँ, और 2 ml क्या है उसके अंदर वॉटर है। तो इन चीजों का पता होना चाहिए कि यदि आपका सोल्यूट मतलब एसिड ज्यादा है और वॉटर कम है तो क्या होगा, कंसेंट्रेटेड। और डाइल्यूट की यदि मैं बात करता हूं तो देखो डाइल्यूट में इधर आप बात करो तो आपके पास सोलवेंट का अमाउंट क्या है ज्यादा, यदि मैं बात करूं तो सोलवेंट का अमाउंट क्या हो जाए ज्यादा और सोल्यूट का अमाउंट क्या हो जाए कम, तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग नाम देंगे क्या, डाइल्यूट सोल्यूशन। मतलब एसिड का अमाउंट क्या है अभी कम है, एसिड का अमाउंट क्या है कम, और जो सोलवेंट मतलब वॉटर की बात करता हूं तो वॉटर क्या आपके पास ज्यादा है तो उसको हम लोग कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। जैसे मैंने कहा कि 40% आपके पास HCl है तो इसका मतलब यहाँ पे 40 ml V/V ऐसे लिखा होता है, अभी हम लोग कंसेंट्रेशन टर्म में आगे समझेंगे। 40 ml जैसे इसमें क्या आपके पास HCl है, जैसे मैं हाइड्रोक्लोरिक की बात करता हूँ 40 ml क्या है HCl, और जो 60 ml है वो क्या है इसमें पानी है। देखो वॉटर क्या हो गया ज्यादा हो गया और एसिड क्या हो गया कम हो गया, तो सोल्यूशन क्या हो गया आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। बहुत सिंपल है डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड कैसे आप डील करते हो। कंसेंट्रेटेड में आपका एसिड का अमाउंट ज्यादा मिलेगा, डाइल्यूट में आपका एसिड का अमाउंट क्या मिलेगा कम मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा।